हेलो एवरीवन, कल बहुत सारे पेपर्स के आंसर की आ चुके हैं, बहुत गहमा गहमी है हर तरफ की। सब एनालाइज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैम ये सवाल सही है, ये सवाल गलत है, कौन सा चैलेंज हो सकता है कौन सा नहीं। मुझे पता है कल आपका 13 सितंबर है, लास्ट डेट है, डेडलाइन है टू चैलेंज योर क्वेश्चंस। अभी तक आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल लिए होंगे। हम भी इन डिटेल कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से बताए कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है कौन सा नहीं। काफी बच्चों को प्रोसीजर ही नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चैलेंज करना है, तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाई हूँ। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा, मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ऑन जेआरएफ अड्डा। ह्यूमैनिटीज चैनल हमने आप सभी के लिए ज्वाइन स्टार्ट कर दिया है, जिससे आप सभी इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनको बहुत इससे फायदा होने वाला है। हमारा दिसंबर 2024 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, इन डेप्थ आप इसको तैयार करेंगे। हमारे पास मात्र 3 महीने बचे हैं, इसको कैसे गाइडेड तरीके से हमें तैयारी करनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे ऐप पे। ऐप डाउनलोड करें एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो अभी द एलिफेंट इन द रूम, सवाल कैसे चैलेंज करना है, छोटा सा डेमो है आपके लिए। आप यूजीसी नेट की साइट पे जाएंगे, आपको क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज ये लिंक मिलेगी, इसी से आपने अभी तक आंसर कीज भी डाउनलोड करी है। आपके सामने ये, जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चैलेंज, जैसे आप चैलेंज पे जाएंगे आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिनके आगे करेक्ट आंसर जो यूजीसी नेट के हैं वो होंगे। यदि आपके अनुसार किसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है विद अनदर ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1 जो है, ये जो क्वेश्चन है आपका 203 जिसका आईडी है लास्ट में, जो 3 नंबर है, इसका जवाब एंट्री ने दे रखा है 3। आपके अकॉर्डिंग अगर 1 है तो आप 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 1 है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है, आप फॉर एग्जांपल 4th क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग इसका भी आंसर 1 है, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ठीक है, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पे आप चले जाएंगे, डेटा सेव का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 सवाल है आपने, जो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं जो आपको चूज करने हैं वो आपके सामने आ जाएगा। यदि आपको अपने क्लेम्स को मॉडिफाई करना है, ये ऑप्शन भी है, नहीं करना है तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे जाएंगे आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा, फाइनल सबमिट सक्सेसफुल, और आपको बोला जाएगा पे नाउ। पे नाउ पे जाएंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, लिंक आएगी, आपको SBI पे करना है, सारे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल चैलेंज अ क्वेश्चन। यदि आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है, इसमें आपके ऊपर लिंक है आपकी एप्लीकेशन पे, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई करने के, वो भी आप डाल सकते हैं। मैं ये बोलूंगी टाइम कम है, लेकिन हड़बड़ाहट में एकदम से कुछ भी चैलेंज मत करना, ₹200 प्रति क्वेश्चन है, ठीक है, पैसे बचाने, हड़बड़ाहट में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है, शांति से जाएं। जिनको भी प्रोसीजर अभी तक समझ नहीं आया है, दिस इज द प्रोसीजर, इजी प्रोसीजर है, ज्यादा कुछ समझने का इसमें है नहीं। सो दिस इज इट, हम एक इन डिटेल पॉलिटिकल साइंस के आंसर की लेकर आने वाले हैं, प्रॉबेबली कल तक आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी द क्वेश्चंस दैट यू कैन चैलेंज, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।